उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसने की बात कर रही हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मुरादाबाद के गल शहीद थाना क्षेत्र में स्थित गांधी नगर पब्लिक स्कूल में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक दर्जन बच्चों को फीस न जमा होने पर स्कूल प्रशासन ने न सिर्फ बच्चों को परीक्षा देने दी बल्कि आरोप है कि बच्चों को कुछ देर के लिए कमरे में बैठा दिया गया, जिससे सूचना पर पहुंचे अभिभावकों में खासा हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने किसी तरह अभिभावक को शांत कराया। शहर के पास कॉलोनी हरपाल नगर में स्थित गांधी नगर पब्लिक स्कूल में आज सुबह कक्षा 10 और 11 के एक दर्जन छात्र छात्राओं को मासिक टेस्ट देने से रोक दिया गया। इन सभी छात्र छात्राओं को अलग कमरे में बिठा दिया गया और परिजनों को सूचित कर दिया गया। सभी बच्चे के परिजन स्कूल पहुंचे तो बच्चों के परिजनों के सामने बच्चों ने आकर रोना शुरू कर दिया और टेस्ट नहीं देने दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और डायल 100 पर बच्चों को बंधक बनाने की सूचना दे दी गई। यही नहीं, स्कूल प्रशासन अपनी गलती छुपाने की बजाय अभिभावक पर ही ठीकरा फोड़ता नजर आया, जबकि कमरे में बंद बच्चे ने डरे सहमे नजर आए। क्या नाम है आपका? कमरे में बंद कर दिया था बच्चों को, क्या बंद नहीं थे? देखिए, जो मुझे जानकारी है, गांधी नगर पब्लिक स्कूल में आज शायद उनकी कुछ टर्म्स एग्जामिनेशन हो रहे थे और उसमें यह शिकायत मुझे मिली कि वहां कुछ बच्चों को डिटेन कर दिया गया है और परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया है। इस शिकायत पर मेरी जो वहाँ की प्रधानाचार्य हैं शशि शर्मा जी, उनसे दूरभाष पे बात हुई और बात होने पर उन्होंने कंफर्म किया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना शुल्क अप्रैल से लेकर के अब तक जमा नहीं किया था, तो उन बच्चों को डिटेन किया गया था, लेकिन चूंकि परीक्षा उनकी थी, परीक्षा से वो वंचित ना रह जाए इसलिए उनको बाद में परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया। वो विद्यालय प्रशासन का यह कहना है कि मुझे केवल अभिभावकों तक ये मैसेज देना था कि आप यथाशीघ्र हमारी फीस जो है वह जमा कर दें। इस संबंध में विद्यालय प्रशासन को मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी बच्चे को परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए। अगर किसी बच्चे का शुल्क नहीं जमा है तो वह उनके अभिभावक को नोटिस दे करके और उस बच्चे के शुल्क जमा कराने के लिए और जो वैधानिक तरीके हो सकते हैं उसका प्रयोग किया जाए, लेकिन बच्चे। मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है, मेरी लड़की का नाम कनक गुप्ता, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जी मैम, क्या समस्या है गांधीनगर में, आज क्या हुआ? क्या आज बच्चों को बंधक भी बनाया गया था स्कूल के द्वारा? क्या नाम है आपका? रूपिका, ये बताओ क्यों आप लोगों को इस कमरे में बंद किया गया था? कैसा व्यवहार रहा इस दौरान टीचरों का आप लोगों के द्वारा, आप लोगों से? ब्यूरो न्यूज़।